हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संचना और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल अव्युद एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे होम बेस्ड जॉब की, जो कि आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ चार वैकेंसीज जिनको हम जानेंगे। तो जैसे कि सभी जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो सभी लोग घर से काम करने पर मजबूर हैं। तो इसी काम करने की मजबूरी में आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं अगर आप ये डाटा एंट्री की या होम बेस्ड जितनी भी जॉब्स होती हैं वो करें। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। तो दोस्तों चलिए पहली जॉब की बात करते हैं, जो कि है डाटा एंट्री होम बेस्ड जॉब, जो कि यहाँ पे निकाली गई है। तो कंपनी प्रोफाइल की बात करें हम, तो यहाँ पे ऋषिका सॉफ्टटेक सॉल्यूशंस है। जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो फ्रेशर्स 2-3 ईयर्स है, तो फ्रेशर्स के लिए एक अच्छा चांस है यहाँ अप्लाई करने के लिए। और सैलरी पैकेज की बात करें तो यहाँ पे 1,20,000 to 4,20,000 है पर ईयर, और लोकेशन रहेगी आपकी दिल्ली, हैदराबाद, सिकंदराबाद। वैसे तो डाटा बेस्ड जॉब जो होती हैं या घर बैठ के आप जो काम करते हैं उसको आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो कंपनी है वो प्रेफर करेगी दिल्ली, हैदराबाद, सिकंदराबाद के लोगों को पहले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो कंपनी को रिक्वायरमेंट है हार्ड वर्किंग, एनर्जेटिक एंड सीरियस कैंडिडेट की, जो काम कर सके ऑफलाइन। तो यहाँ पर जो जॉब्स निकाली हैं अब उनकी बात करते हैं। डाटा टाइपिंग, एक्सेल न्यूमेरिक एंट्री, मैनुअल हैंड राइटिंग, फॉर्म फिलिंग और SMS सेंडिंग। तो ये काम रहेगा आपका जिसको आप घर बैठ के कर पाएंगे। तो अब रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं। तो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं आराम से इस जॉब के लिए। वो अगर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तब भी कोई बात नहीं, अदरवाइज 10th 12th पास हैं तो भी इस जॉब के लिए आराम से अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं जॉब डिटेल्स की। तो यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप की बात करें हम, तो एडवर्टाइजिंग, PR, इवेंट पब्लिशिंग, ITES, BPO, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग एंड RPO। और जॉब फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज, कॉल सेंटर, BPO और IT। और जॉब रोल की बात करें तो डाटा प्रोसेसिंग एग्जीक्यूटिव, फ्रेशर, ट्रेन, कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री। तो दोस्तों चलिए अब आगे की स्किल्स की बात करते हैं। तो की स्किल्स में यहाँ पे आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर आप हैं ऑलरेडी तो और भी अच्छा है, आपके पास टाइपिंग, फॉर्म फिलिंग करना आना चाहिए कि आप फॉर्म आराम से बना पाएँ, और इंटरनेट आपके पास आना चाहिए, इंटरनेट का यूज़ करना। तो दोस्तों आप कंपनी की प्रोफाइल के जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप डाटा एंट्री कैसे सीख सकते हैं। वैसे तो आप कंप्यूटर में डिप्लोमा करके भी आराम से किसी भी इंस्टीट्यूट से इस कोर्स को कर सकते हैं जो डाटा एंट्री का, अदरवाइज़ अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की तब भी आप इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास राइटिंग स्किल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे या MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो हालांकि सभी जानते हैं इन सॉफ्टवेयर्स को, अदरवाइज़ आप मतलब टाइपिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उस पर भी प्रैक्टिस करके आराम से डाटा एंट्री की जॉब ले सकते हैं। तो अब मैं आगे कंपनी की प्रोफाइल की बात करने जा रही हूँ। सो ऋषिका सॉफ्टटेक सॉल्यूशन कंपनी इन डीलिंग इन ऑफलाइन डाटा एंट्री प्रोजेक्ट्स एंड हैंडराइटिंग प्रोजेक्ट्स। कंपनी हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 ईयर्स इन ऑफलाइन डाटा एंट्री एंड मैनुअल हैंडराइटिंग जॉब्स। कंपनी हैव वेरियस फील्ड एंड द फंडामेंटल बिजनेस स्ट्रेटजी टू बिल्ड लॉन्ग टाइम क्लाइंट रिलेशनशिप, प्रोवाइडिंग बेस्ट IT सॉल्यूशंस फॉर योर बिजनेस नीड्स। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस जॉब के बारे में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरी जॉब की बात करते हैं। तो ये जो जॉब निकाली गई है ये है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग जॉब है, जो कि हाउसवाइफ एंड स्टूडेंट्स के लिए निकाली गई है। कंपनी प्रोफाइल की बात करते हैं दोस्तों चलिए आगे। तो RN टेक्नोलॉजी है, एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पे तो फ्रेशर्स 2-5 ईयर्स है, तो फ्रेशर्स के लिए एक अच्छा चांस है अप्लाई करने के लिए। सैलरी पैकेज की बात करें तो 2,10,000 है, और साथ ही ये मिनिमम है, और मैक्सिमम की बात करें तो 3,50,000 पर ईयर है। लोकेशन आपकी रहेगी पुणे, मुंबई सिटी, क्योंकि अगर आप इस जॉब को वैसे तो कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन प्रेफर जो है कंपनी वो पुणे और मुंबई के कैंडिडेट्स को ज़्यादा करती है। तो चलिए अब आगे जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं दोस्तों। तो जो आपका जॉब रोल रहेगा वो है कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और साथ ही जो फ्रेशर्स हैं वो भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन की बात करें अगर हम, तो एनी ग्रेजुएट, एनी पोस्ट ग्रेजुएट और जिनको ये काम आता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं,
और आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन डाटा एंट्री और फॉर्म फिलिंग जॉब्स हैं, तो आपको ये आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप 500 लिस्टेड कंपनी के अंडर काम करेंगे और आपको सिर्फ 2 घंटे पर डे यहाँ पे काम करना होगा। वैसे भी इस कंपनी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो आप जल्दी से इस जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो आपका जो प्रोफाइल है वो मैच करना चाहिए, मतलब आपको जो जॉब बता रहे हैं वो आनी चाहिए। दोस्तों चलिए आगे अब जॉब इन्फो की बात करते हैं। तो इंडस्ट्रियल टाइप है अदर्स, फंक्शनल एरिया रहेगा आपका एडमिन, सेक्रेटरियल, फंक्शनल है आपका आईटी, और इंडस्ट्रियल टाइप है आईटीएस, बीपीओ, आईटी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। और अगर स्किल्स की बात करें तो चलिए दोस्तों आप की स्किल्स की बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए आपको, आपको डाटा एंट्री के बारे में पता होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने वाले हो। आपको फॉर्म फिलिंग करना आना चाहिए क्योंकि ये जो जॉब है ये बैक ऑफिस की है। तो चलिए दोस्तों आप कंपनी की बात करते हैं आगे। तो ये द कंपनी इज़ ई कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी विद वर्क इन SEO। तो डाटा एंट्री करने के लिए आप कितने टाइप की डाटा एंट्री की जॉब होती है, तो यहाँ पे 3 टाइप्स की डाटा एंट्री की जॉब की आज हम बात करेंगे। वो है फॉर्म फिलिंग डाटा एंट्री, सॉफ्टवेयर डाटा एंट्री और PDF फाइल डाटा एंट्री। तो दोस्तों अब तीसरी जॉब की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो जॉब निकली है ये होम बेस्ड जॉब है लेकिन ये जॉब सीकर्स के लिए है। तो चलिए अब कंपनी प्रोफाइल की बात करते हैं आगे। TFG डिजिटल इंडिया, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है फ्रेशर्स 2-3 ईयर्स, और सैलरी पैकेज है 3,50,000 to 6,50,000 पर ईयर। और लोकेशन आपकी रहेगी बेंगलुरु कोलकाता, क्योंकि वैसे तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो लेकिन जो कंपनी प्रेफर करेगी वो बेंगलुरु कोलकाता के लोगों को करेगी, आगे लेकर आएगी क्योंकि यहाँ पे उनको शायद आसान होता होगा काम करवाना। और तो चलिए अब जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे एन एक्सेलेंट चांस टू अर्न हग मनी फॉर होम पार्ट टाइम होम बेस्ड वर्क इन इंटरनेट, ओनली फ्यू आवर्स वर्क अ डे इन नीडेड, द वर्क इज ऑलमोस्ट सूटेबल फॉर पीपल लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, ऑनलाइन वर्क अ डे जनरेट्स अ यू इनकम मंथली, ऑल यू हैव टू डू अ प्रमोट ऑफ डिजिटल सर्विसेज ऑनलाइन। तो दोस्तों चलिए अब जॉब इंफॉर्मेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो इंडस्ट्रियल टाइप रहेगा आपका एडवर्टाइजिंग, PR, इवेंट्स, IT, कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स, फंक्शन रहेगा आपका मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, IT, रोल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। अब चलिए की स्किल्स की बात करते हैं। तो इंटरनेट एडवर्टाइजिंग आपको आना चाहिए, आपको ऑनलाइन प्रमोट करना आना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको इंटरनेट की नॉलेज है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जैसे बात कर रहे थे डाटा एंट्री करने के तरीकों की, तो फॉर्म फिलिंग डाटा एंट्री की बात करते हैं हम। इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो, बस आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और ऑफलाइन डाटा एंट्री जो आपको आप घर बैठे भी कर सकते हो, इसमें सिर्फ डाटा टाइप करना होता है, एक PDF में दिया होता है, आपको सिर्फ उसको MS Word में करके टाइप करना होता है। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि कंपनी प्रोफाइल की। तो TFG डिजिटल इंडिया प्रोवाइड हाई क्वालिफाइड क्वालिटी सर्विसेज टू बूस्ट योर बिजनेस एंड हेल्प यू टू डेवलप इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। TFG ऑफर्स वर्ल्ड क्लास इंटरेटिव वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो दोस्तों चलिए अब चौथी जॉब की बात करते हैं। फ्रीलांस की रिक्वायरमेंट है पार्ट टाइम जॉब। तो दोस्तों कंपनी की प्रोफाइल की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो की क्वेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स 2-3 ईयर्स, सैलरी यहाँ पे अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है, लोकेशन आपकी रहेगी बैंगलोर, हैदराबाद, सिकंदराबाद। तो दोस्तों आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी, और आपको आई होप आपको सेलेक्ट भी कर लिया जाए अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में मैनेज फुल साइकिल रिक्रूटमेंट फॉर अ होस्ट ऑफ असिस्टेंट सर्चेज, सोर्स स्क्रीन शेड्यूल, कंडक्ट इंटरव्यू एंड प्रोसेस ऑल प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, द सेकेंड इज कंडक्ट स्क्रीनिंग इंटरव्यूज ओवर द फोन एंड ऑनलाइन, एक्टिवली सोर्स कैंडिडेट्स फॉर ओपन पोजिशन रूल्स यूजिंग ऑल पॉजिटिव रिक्रूटमेंट मैथड्स, वेब पोर्टल्स, पोस्टिंग, सोशल नेटवर्किंग, डेटाबेस, रेफरल एंड कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों अब रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करते हैं। तो आपको मैनेज एक्सपेक्टेशन विद द हायरिंग मैनेजर्स, अडीप्ट एट कम्युनिकेट इफेक्टिवली अक्रॉस ऑल लेवल,
capable of working successfully within a team as well as independently. Proactive and hands-on attitude to work. Partner with hiring managers to gather requirements and develop effective recruitment strategies. तो दोस्तों अब हम आगे रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस की बात करते हैं. तो यहाँ पे आईटी इंजीनियर एंड नॉन आईटी रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस प्रेफर्ड. एक्सटेंसिव सोर्स एक्सपीरियंस यूजिंग सोशल नेटवर्किंग रिसर्च एंड पर्सनल नेटवर्किंग. अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. काइंडली नोट दिस द फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम जॉब एंड इंसेंटिव्स विल बी पेड बेस्ड ऑन हर क्लोजर एज पर आवर इनिशिएटिव स्लैब. तो दोस्तों चलिए अब जॉब डिटेल्स की बात करते हैं आगे. सो इंडस्ट्री टाइप आपकी रिक्रूटमेंट स्टाफ आरपीओ रहेगी. फंक्शनल एरिया आपका ह्यूमन रिसोर्स है. रोल्स रहेंगे आपके एचआर एग्जीक्यूटिव और रिक्रूटमेंट. स्किल्स की बात करें तो टैलेंट एक्यूशन. एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स बैचलर ऑफ कॉमर्स डिप्लोमा होना चाहिए. अगर आप 10-12 पास हैं तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर डाटा एंट्री की. जैसे कि डाटा एंट्री की जॉब की मैं आपको बता रही थी कि 3 आज बताने वाली हूँ. तो सॉफ्टवेयर के आप सॉफ्टवेयर से भी डाटा एंट्री कर सकते हैं. इसमें आपको इंग्लिश जाननी होती है और आप इंग्लिश से हिंदी में टाइप करते हैं. इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप इंग्लिश टू हिंदी डाटा टाइप कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्पफुल भी होता है. हिंदी टाइपिस्ट की जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसको करने वाले बहुत कम लोग रह जाते हैं. तो जो तीसरा था वो था PDF फाइल डाटा एंट्री. तो बहुत सी कंपनियां हैं जो डाटा एंट्री को PDF फाइल में काम करवाती हैं, जिसे आप एनालाइज करते हैं, आसानी से एडिट कर पाते हैं. और इससे कुछ कंपनियां PDF डाटा ऑपरेटर भी रखती हैं इसी काम के लिए. तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आप डाटा एंट्री की जॉब कैसे कर सकते हो. और ऐसे ही फॉर्म फिलिंग की जॉब भी होती है. इन चारों जॉब्स का लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. आप उस पर क्लिक करके monster.com पे जा करके इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इन चारों जॉब से रिलेटेड. दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तो घर बैठे होम बेस्ड जॉब कर सकें. जो भी जॉब सीकर्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको न्यू जॉब्स मिल सकें. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा. सब्सक्राइब करते समय एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कि आपको न्यू जॉब्स की अपडेट मिलती रहे.